हेलो डिवाइन सोल्स, आज इस वीडियो के जरिए मदर यूनिवर्स आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप ये मैसेज देख रहे हो तो आप कोई आम सोल नहीं हो, आप यूनिवर्स के बहुत ही प्रिय और एक अर्थ एंजल हो। दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज चक्र में घूमते हैं, कभी खुशी मिलती है तो कभी गम, कभी उम्मीद तो कभी नाउम्मीदी। जैसे पतंग को हवा में बनाए रखने के लिए कभी डोर खींचनी पड़ती है तो कभी ढील देनी पड़ती है, वैसा ही डिवाइन हमें कभी आशाओं से भर देते हैं तो अगले पल में ही निराशा के डर में झोंक देते हैं, ताकि हम हर हालातों का सामना करके खड़ा सोना बन सके। दोस्तों सोचिए, अगर कभी रात ही ना होती तो सुबह होने का खुशी क्या आप कभी महसूस कर पाते? इसलिए जब भी कभी आने वाले कल के डर सताने लगे, आगे का रास्ता ना दिखाई दे, हर उम्मीद खत्म होते दिखे, तो एक बात हमेशा याद रखना कि हमारा पिता परमेश्वर और माता प्रकृति मुस्कुराते हुए हमें देख रहे हैं और वे कह रहे हैं, बच्चे ये तेरा परीक्षा है, तेरा ये दुख दर्द नाउम्मीदी वास्तव नहीं है, ये वो तूफान है जो तुझे लड़ना सिखाएगा, ताकतवर बनाएगा, और अगर तू लड़ के बाहर आ जाए तो तू एक नया इंसान होगा जिनका रोशनी दुनिया को रास्ता दिखाएगा, हजारों को उम्मीद देगा। और अगर तू इस तूफान में गिरने लगा तो मेरे हाथ हमेशा तेरे पीछे ही है, मैं तुझे थाम लूंगा। दोस्तों, भले ही आपको लगता है कि इस जर्नी में आप अकेले हो, भले ही आपको रास्ता सुनसान दिख रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके इस सफर में ऊपर वाले का भेजा हुआ अदृश्य शक्ति हमेशा आपको घिरे हुए हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। इसलिए जब भी निराशा आए, डर का बादल छाए, तो आंखें बंद करें और अपने आसपास उन शुभ शक्तियों को महसूस करने की कोशिश करें, वे हर तरह से आपको उनके होने का संकेत देगा। दोस्तों, आपके जर्नी का हर एक पन्ना पहले से ही लिखे जा चुके हैं, आपको बस ये विश्वास रखनी होगी कि आपके जीवन में जो भी हो रहे हैं, वो नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी हो, वो बस आपको ईश्वर के और करीब ले जाने के लिए ही हो रहा है। दोस्तों, ये जर्नी आपको यूं ही नहीं मिला है, इसे आपने ही चुना है। कई जन्मों से आप ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो और इस जर्नी में आपके पार्टनर आए हैं आपको सही रास्ते पे बनाए रखने के लिए। इसलिए वे जो भी कर रहे हैं, वो इस धरती पे आने से पहले आप दोनों ने ही मिलकर तय किए थे। इसलिए इस जर्नी में अगर वे आपको दुख दे, रुलाए, रिजेक्ट करे, तो दुखी होने से पहले जान लीजिए कि ऐसा करने का इंस्ट्रक्शन उन्हें आपने ही दिया है। इसलिए यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप इतना मैच्योर बने कि इस जगत के मोह माया आपको कभी बांध ना सके। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, कुछ भी आपसे छीना नहीं जा रहा है, आखिर में आपको सब कुछ वापस दिया जाएगा, लेकिन तब तक आप खुद में ही पूर्ण हो जाओगे, आप अपने अंदर ही सब कुछ पालोगे, आप अपने अंदर ईश्वर को पालोगे। दोस्तों, आप दुनियादारी को इग्नोर करके ईश्वर की तरफ जर्नी को शांति से पूरा नहीं कर सकते, ना ही आप ईश्वर को इग्नोर करके दुनिया में कुछ हासिल कर सकते। इसलिए आपको मेटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। दोस्तों, जीने के लिए और शांति से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के लिए धन कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ धन कमाने के पीछे सब कुछ छोड़ के भागना आपको ईश्वर के रास्ते से भटका सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं यूनिवर्स के ये मैसेज आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करेगा। आप हमेशा खुश रहे, डिवाइन और माय यूनिवर्स आपको परम मुक्ति की ओर लेके जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।